भाई आज हमारे पास है इक्को का 2020 वाला मॉडल और इसमें लगाने वाले हैं कई सारी एसेसरीज, जिसमें सीट कवर और छोटी एसेसरीज के अलावा जो कार कर्टन आते हैं फिक्स वाले वो आपको लगा के दिखाते हैं कि इसमें फिटिंग कैसे होती है और कौन सी इसमें वैरायटी क्वालिटी आती है। अभी इसमें सीट कवर लगाए जा रहे हैं और आगे की एक सीट इसमें लग भी गई हैं। चलिए आपको पूरी डिटेल देते हैं। इक्को का है 2020 वाला मॉडल, यानी ये जो भी एसेसरी आप देख रहे हैं ये किसी भी इक्को के अंदर आप लगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना कार एसेसरीज़ और कार रिव्यूज़ की ऐसी ही डिटेल वीडियो देखते रहने के लिए। देखिए इसके अंदर सीट कवर अभी लग चुके हैं। जो जो आइटम लगी हैं वो आप देखिए। पहली आइटम है सीट बीट, जो आप देख सकते हैं गर्मी में जो पसीना आता है रैगजिन की सीटों की वजह से कह सकते हो, उसमें बहुत आराम हो जाता है सीट बीट लगाने के बाद। थोड़ा सा जो हवा जो रुकती है यानी पसीना वसीना यहाँ से आना बंद हो जाता है और काफ़ी बढ़िया रहता है ये भी। इनकी अगर प्राइस की बात करें तो करीब करीब 400 रुपये से लेके 800 रुपये तक पर पीस आपको सीट बीट हैं वो मिल जाएंगी। बहुत सारी वैरायटीज़ में आती हैं। मैट की जगह कस्टमर ने ये खुद ही डाल रखे हैं। ग्रास जो आते हैं वो पैरों में बिछाने वाले, उनको कटिंग करके इसमें फिक्स किया गया है, वो अपनी पर्सनल चॉइस है उनकी। और उसके अलावा इसमें सीट कवर तो लगे ही हैं, रैगजिन वाले नॉर्मल हैं, नॉर्मल ही इसमें ठीक रहते हैं, ज़्यादा हैवी की ज़रूरत भी नहीं होती है। कार मंदिर इसमें लगा है जिसकी कीमत आप कह सकते हो करीब 100 रुपये। कर्टन आपको एक बार लगा के दिखाते हैं कर्टन का लगाने का क्या तरीका है। ये फिक्स जाली वाले होते हैं, आगे का जो ग्लास है साइड ग्लास जिसको बोलते हैं वो देखने के लिए पूरी जगह रहती है। और लगाने का तरीका बिल्कुल इसमें वैसा ही है जैसा हर गाड़ी में होता है, हल्का सा इसको बेंड करके लगाना होता है। लेकिन इक्को में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि नीचे की और ऊपर की बिडिंग जो है वो उतनी बढ़िया नहीं है जितनी और गाड़ियों में होती है, तो इसमें लगाने में बहुत जोर लगते हैं। थोड़ा सा मोड़ के अच्छे से इसको धीरे धीरे पेशेंस से फिक्स करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है जितना आप वैगनर या स्विफ्ट में लगाना चाहिए। आप नीचे की बिडिंग देख सकते हैं, उस पे से कई बार ये अटकता नहीं है। ये बहुत शिकायत आती है हमारे पास कि जैसे ही लगाने लगे वो पीछे की तरफ निकलने लग जाता है। ग्लास देखने के लिए जगह है यूं की यूं, और निकालना तो आसान है, आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल खींचना है और वो निकल जाएगा। लगाने में आपको 1-2 मिनट लग सकती हैं। अब आपको बीच वाला जो मिरर है इसका, जो ग्लास है इसका सॉरी, उस पर आपको लगा के दिखा देते हैं। तरीका वही है लेकिन बिडिंग जो है वो इसकी बहुत कम होती है इसके अंदर, जिसमें ये फंसते हैं, तो वो धीरे धीरे करके पेशेंस से ही लगाना पड़ता है। यानी नॉर्मल गाड़ी में जहाँ आप 1 मिनट में लगा देंगे, यहाँ इसमें आपको 2-2.5 मिनट लग जाएंगे। तो इतना तो आपको इसमें पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर आता है हर मॉडल के हिसाब से ये, तो आप वो उसी हिसाब से लें। ये पीछे वाले जो ग्लास हैं उनके लिए है, इनमें भी ऐसा ही ये फंसेगा। वही तरीका है जो हर चीज़ के लिए होता है, हर गाड़ी के लिए होता है, लेकिन बिडिंग छोटी होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। अगर आप इसको परचेज़ करें तो आप इसको सोच के लें। इसमें डिग्गी कर्टन की बात करें तो वो आपको दिखाते हैं, वो भी प्रॉपर उस ग्लास के हिसाब से है। और ये इसमें जो ये पीछे की लाइट सी होती है इसके अंदर से ये फंस के और पूरा एक्यूरेट आ जाता है। नीचे करके इसमें जो अब ग्लास बंद कर देते हैं, जब डिग्गी बंद जब कर देते हैं तो आपको ये ठीक से इसके अंदर फंस जाता है। लेकिन ये इतना परफेक्ट नहीं होता जितना अगर आप हमारी मैं अगर सजेशन इस चीज़ के लिए दूं, जितना वैगनर स्विफ्ट या अदर गाड़ियों का होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा रहता ही है, तो थोड़ा सा वो लेके चलना पड़ेगा कि इतना तो आएगा ही। लेकिन डिग्गी कर्टन भी मिल जाएगा और साइड कर्टन जो हैं वो सेट ऑफ 6 इसमें आते हैं। इनके जो परचेज लिंक हैं वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हैं और एसेसरीज आप इसमें देख ही सकते हैं जो लगी हैं। परचेज लिंक जो एसेसरीज़ के और इसका जो आर्म रेस्ट है वो मिल जाएगा, उसका भी और कर्टेंस के भी, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। कार मैट इनके वैसे प्रॉपर भी आते हैं रबड़ वाले, लेकिन इसमें जो है वो वैसे वाले डले हुए हैं। ये है सीट कवर ब्लैक प्लस बेज कलर के, रैगजिन बोलते हैं इसको, RPU लेदर का आप बोल सकते हो। बैक में ये सामान वगैरह रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस वगैरह भी बना होता है, पेपर वगैरह अखबार वगैरह आप कुछ इसमें रख सकते हैं। और यहाँ आता है इसका आर्म रेस्ट जो बिल्कुल प्रॉपर होता है, एकदम अगर आपकी ड्राइव थोड़ी ज़्यादा होती है तो बहुत कंफर्टेबल हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें एसेसरीज़ के अंदर ऑलरेडी लग गई हैं, सीट बीट जिसके अंदर आप कह सकते हो, और ये ऐसे जो फंसी हुई है इसमें, ये सीट बीट के अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं जिनकी डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बाकी नेक रेस्ट है लंबी ड्राइव में जो गर्दन में दर्द हो जाता है उनमें ये बहुत बढ़िया रहता है, तो आप नेक रेस्ट भी लगवा सकते हैं। ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है, 150 से 300 रुपये के बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। ये 200-250 वाला जो है वो इसमें लगा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।